इनकी संभाली तो बहुत बढ़िया है, संभाली है जी, लग रही जी, खर्चा भी है, है जी, खर्चा भी है, बिल्कुल बिल्कुल खर्चा है जी। ये चांदी खावे लीज देवे गोबर करे है जी, ये चांदी खावे गोबर करे जी जी। ऐसी नहीं है कि ऐसे ही चल जाओ सूखे घास में चल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्टर में तो क्या है, डीजल डाल लेंगे चल जाए, अगर नहीं चलेगा तो खड़ा जी, ये तो खड़े भी खावांगे ठीक है ना जी जी, चलेंगे तो ठीक है, अलग बात है जी, अगर चलने के लिए चलाऊंगे तो पहले खुआना पड़ेगा, बिल्कुल। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज ताना गांव में पहुंचे हैं, जो पड़ता है जिला शामली में, विनित भाई के घर पर, वैसे छोटू के नाम से जानते हैं इसको गांव में सब। और भाइयों बैलों की जोड़ी के शौकीन हैं और ये जोड़ी लेकर आए दोबारा, ये कौन सी नस्ल है और गन्ने की खेती कर रहे भाइयों इससे। और अब तो भाइयों मशीनरी का युग है, इसको संभालना भी बहुत बड़ा काम है बैलों को, और इनके सारे संसाधन दिखाऊंगे, और इनके आज ये घेर की वीडियो है, और बैलों के बारे में भी जानकारी लेंगे किसान भाई से, कहाँ से लाए और कब से इनका इनको पाल रहे भाइयों। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, एक बार अपना परिचय करा दो जी। मेरा नाम छोटू, गांव ताना, जिला शामली, इधर को आ जाओ। अच्छा जी, हाँ जी, तो ये बैलों की जोड़ी आप कहाँ से लेकर आए जी? इन्हें हरियाणा से लेकर आए हैं। अच्छा, हरियाणा में नांगौर से आए थे। अच्छा जी, हाँ जी, तो ये कितनी उम्र होगी जी लगभग? ये दो दो दांत हो गए दोनों। अच्छा जी, हाँ जी, तो कब लाए जी इन्हें? इसे तो 3 महीने हो गए हमारे पास में। अच्छा जी, और उसे 2 महीने हो गए। अच्छा, तो अलग अलग लेकर आए थे? हाँ, ये पहले आया था, वो बाद में आया था ये वाला। अच्छा, हाँ जी, तो ये कौन सी नस्ल है जी वैसे? क्या ये नांगौर के हैं? दोनों नांगौरी नस्ल के हैं। अच्छा, तो वैसे लेके कहाँ, कौन सी जगह से आए? फिलहाल हम हरियाणा से लेकर आए हैं। अच्छा, फिलहाल हरियाणा से लेकर आए। हाँ। तो भाई साहब कितने की जोड़ी पड़ गई है ये? हमें 68,000 रुपए की पड़ेगी दोनों। हाँ, दोनों। अच्छा, तो हिले हुए हैं आपने? नहीं नहीं, हड़के बिल्कुल चालू हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने देख लिया चला कर? हाँ हाँ, चलाते हैं। अच्छा, अब गन्ने की जुताई स्टार्ट होंगी तो आपको उसमें चलते हुए भी दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी तो जुताई नहीं चल रही, अब चलेगी आगे तो आपको दिखा देंगे। अच्छा, दांत कितने हो रहे हैं? दो दांत है। अच्छा, दो दांत है दोनों? हाँ, दोनों दो दांत है। तो इनका शौक कैसा हुआ जी? काम ही इनका है जी? अगर गन्ने की खेती कर रहे जी, शादी विधि कर रहे 28 इंच की जी, तो इन्हीं का काम है, इनके बगैर 28 इंच की खेती नहीं होती। ट्रैक्टर से भी कर रहे हैं, वो तो सबकी अपनी अपनी डिमांड है, कैसे जैसे अच्छा लगे, क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन हमें तो इनसे अच्छी लगे। हाँ, मशीनरी का युग है जी, देखो इनका संभाल भी तो बढ़िया है। अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये अपनी जगह ठीक है जी, की रीस नहीं होती जी। मशीन है, बहुत टेक्निक है, गन्ने सुपर वीडर भी आ गया गन्ने का जी, टीलर भी है, बहुत चीजें हैं, मशीन भी है जी, लेकिन नहीं जी इनकी चीज, ये जो जिनका काम है वो सही अच्छा लगता है जी जी। हाँ, ट्रैक्टर तो आपके पास भी है पर गन्ने? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का अपना काम है, इनका अपना काम है जी। ट्रैक्टर इनकी रीस थोड़ा ही ना करेगा जी जी, ट्रैक्टर का जो काम है जहाँ तक है वो वहीं तक ही तो करेगा। बिल्कुल करते हैं, ट्रैक्टर से भी अगर काम है तो ट्रैक्टर से भी जुताई करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते जी, लेकिन जब तक ठीक है तब तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये देखो मैं दिखा देता हूँ, एक बार खोल कर दिखाओ कोई से को। देखो जी, आप अपना नाम बता दो जी। योगिंदर। अच्छा, आप भी इसी गाँव से हो जी? हाँ। आपके पास कौन सी जोड़ी है? मेरे पास हरियाणा की जोड़ी है। अच्छा, आपके पास भी है? हाँ। आप कब सर खरे? हम तो सारी उम्र हो ली, कचपन के रख है, इसी का शौक है, इसी का शौक है। अच्छा, जुताई जो है गन्ने की इसी से? इसी से है बैलो जी। ये बैल के अलावा जुताई गन्ने में कोई वो नहीं चलाते? अच्छा जी, ट्रैक्टर जो गन्ने में बिल्कुल भी? अच्छा, इसी का फिर ट्रैक्टर नहीं बांटते? देखो जी, गन्ने की खेती तो इन्हीं से है, 18-20 जुताई करो बैलो से। हाँ, पर ये है कि बस संभाल है, कोई संभाल सके कोई नहीं। हाँ, हाँ। क्योंकि इनकी संभाली तो बहुत बड़ी है, संभाली है जी, लग रही जी, खर्चा भी है, है जी, खर्चा भी है, बिल्कुल बिल्कुल खर्चा। हाँ। है जी, ये चांदी खावे लीज देवे गोबर करे है जी, ये चांदी खावे गोबर करे जी जी। हाँ, ऐसी नहीं है कि ऐसे ही चल जाओ सूखे घास में चल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्टर में तो क्या है, डीजल डाल लेंगे चल जाए, अगर नहीं चलेगा तो खड़ा जी, ये तो खड़े भी खावांगे ठीक है ना जी जी, चलेंगे तो ठीक है अलग बात है जी, अगर चलने के लिए चलाऊंगे तो पहले खुआना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अब जैसा मान लिया आजा, ये अब जा, अब तो ऑफ सीजन सही है, अब शुरू होगा गन्ने का। हाँ। अब इनकी मान लिया खुराक क्या रहे जी? वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है, सबकी अपनी अपनी डाइट है। नहीं वैसे कुछ खास तो नहीं रखते? नहीं, नॉर्मली यही दूध चना,
दो चने बिनोले अच्छा, जिसकी अपनी डिमांड है क्या देगा क्या नहीं देगा। अच्छा हाँ, वैसे ये डालते रहो आप, ये तो खाना पड़ेगा जी। हाँ ये देख लो भाइयों, बात बात तो उम्र कितनी होगी होगी जी लगभग इनकी? दो दांत हो गए। नहीं दो दांत तो हो गए, उम्र कितनी आगे होगी? ढाई साल के लगभग। अच्छा ढाई साल, ढाई साल के हो गए। आजा ये देखो भाइयों, ये देखो जी, ये चंचलता इनकी तासीर है। और ये नागौरी है जी इनकी, इनकी वैसे पहचान क्या है भाई साहब? पहचान ही बताऊंगा उस्ताद जी, आ जाओ जी एक बार। इनकी जैसे मान लिया नागौरी है, पास में जाके बताओ एक बार, बांधो बांधो बांधो। ये देखो भाइयों, किसान के घेर की शान तो बैलों से ही है, ये देख लो। विशेषताएं जो है अलग अलग है नागौरी की। हाँ जी, क्या पहचान है जी नागौरी की? पहचान है जी, इनका मूतना नहीं होता। अच्छा, ये आगे कमला नहीं होता। अच्छा, ये नीचे कमला नहीं होता? ये नहीं होता इनका, नागौरी का। हाँ, नागौरी। अच्छा, और मान लिया सींग की बात करें, सींग इनके फिलहाल तो छोटे हैं, पर फिर ज्यादा बड़े हो जाओ बाद में नागौरी वाले। हाँ, और हरियाणा नस्ल वाले उनके छोटे रहे। अच्छा, उनका सींग छोटा रहे, उनका छोटा रहे। अच्छा, और मान लिया ताकत की बात करें तो ताकत नागौरी में ज्यादा है। अच्छा, ताकत जो है नागौरी में ज्यादा है। अच्छा जी, थकते नहीं है जी, चलने का स्वभाव ज्यादा है, इनका कड़वे हैं, जितनी देर भी चलेंगे जी बिल्कुल फिट ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जाएगा 10 खूड को फूस फूस के बाद में रो रो के चल रही, वो इनके अंदर नहीं होती जी जी। इनकी तो चलने की जो विशेषता है वो अलग ही होती है। इसमें पक्का ज्यादा हो, लंगोर का बैल जो हो पक्का ज्यादा हो। अच्छा जी, थकता नहीं बिल्कुल भी, थकावट नहीं मानता जी। हरियाणा का बैल जो है वो शांत स्वभाव का बैल हो, ये गर्म स्वभाव के बैल हो हैं। अच्छा जी, हाँ जी जी। ऐसा नहीं, एक क्या है कि अगर कोई कुत्ता लिकड़ का आ जा, कोई और आ जा, सड़क हो कोई राह चलता आ जा, तो ये बहुत चौक सही से चलने पड़े। ऐसा नहीं है कि जोड़ लिया राख लिया पीट रहे हैं, ऐसा नहीं चलाएंगे जी जी, ना ना चोट मार देंगे जी। मतलब इनमें तेजी इतनी है, तेजी है बहुत, एक रेख से चलने पड़े हैं जी जी। तो बस हल्का ही काम है और कुछ और तो नहीं, नहीं, नहीं तंगा तुंगा तो है कुछ है नहीं, कोई नहीं, नहीं, बस अपना जुताई का काम करें, जुताई का काम करें। तो एक और बैल है जी पुराना, है आपका? हाँ, वो पुराना बैल है वो हमारा जी, उसे तो हम उसकी तो सेवा कर रहे हैं जी। हाँ, उसका और कोई काम नहीं है, ये तो फिलहाल हमारा अभी जा सेवा में है। ये कितने साल का बैल है जी? ये लगभग 20 से ऊपर ही हो गया। अच्छा, ये 20 साल से ज्यादा की उम्र है इसकी। ये कौन सी नस्ल है जी, उठाइए एक बार। चल, ये तो हमारे यहाँ का ही है देसी। चल, अच्छा देसी बैल है, चल अच्छा, ये तो बस सेवा में है फिलहाल। चल, ये देख लो भाइयों, बैल पालने का जिन्हें शौक है फिर सेवा भी करनी पड़े इनकी। घर पे बहुत काम करा है जी, पिन चलाए हमारे यहाँ जी। हाँ, अब नहीं देते हमसे, अब तो बस सेवा ही है। चल, उठ जा। और वैसे बुढ़ापा ऐसी चीज हो, देखो कितनी देर में उठ रहा हूँ। नहीं वैसे बुढ़ापा भी है पर शरीर तो नहीं गिरा भाई, शरीर तो देखो इसकी सेवा है बेचारे की, शरीर क्या गिरा, घास ठीक मिल रहा, पानी ठीक मिल रहा, दाना खा रहा हूँ, तो शरीर तो इसकी सेवा है जी जी। हाँ, बिल्कुल सेवा भी बहुत बड़ी बात है, केयर भी है कोई चीज। हाँ जी, हाँ जी, केयर तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत बुग्गी बाकी में जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे? हाँ, बुग्गी में चले जा थोड़ा बहुत। हाँ, 700 मीटर हमारे खेत है यहाँ से घर से जी। हाँ, ये गोबर लग रहे हैं, ठाके से उतारिया हुए, उधर से गोले वोले रखवा के लिया हुए जी जी, इतना काम कर ले। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत चलने में कोई बुराई नहीं है, देखो तंदुरुस्ती बढ़िया है इसकी। हाँ, ये देखो भाइयों, और ये जो है किसान भाई छोटो के जो है सारे घेर में जो है पशु और भी हैं, भैंस भी ये काफी ले रहे हैं, और ये इस तरीके से जो है सारा इनका कुट्टी का इसका सारा कुछ सिस्टम है। और गाय भी कौन सी ले रहे जी? ये तो एक बच्ची है, गिरकी है। अच्छा, ये गिरकी है, ये इसी साल पाली का? हाँ, ये तो अभी इसकी माँ चली गई, वो ओलंपिक हो गया था, वो गुजर गई थी। अच्छा, उसकी डेथ हो गई थी, तो फिर यही उसी की बच्ची है। अच्छा, ये घर की है? हाँ जी। तो भाइयों, ये जो है विनित भाई के बैल दिखाए मन्ने, और इनके घेर की वीडियो है ये। ये देखो जी, शौकीन किस्म के किसान है भाइयों, और गन्ने की खेती बैलों से कर रहे। तो भाइयों, ये आज विनित भाई के घेर की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।